तो चलिए शुरुआत करते हैं NDTL की। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने तीन चीज़ें करनी हैं। पहली चीज़ हमने समझना है कि NDTL क्या चीज़ है, दूसरा उसके नोट्स हमने बनाने हैं, और तीसरा UPSC सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में इसका किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात को हमने समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं NDTL। और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए NDTL, NDTL है आपका नेट डिमांड, एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है, तो देखिए जैसा कि इसका फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, तो इसको NDTL को समझने के लिए मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ देता हूँ। तो हमने सबसे पहले ये समझना है कि डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ क्या चीज़ होती हैं। तो देखिए डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे को NDTL का फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊँ तो NDTL का फॉर्मूला होता है डिमांड लाइबिलिटीज़ प्लस टाइम लाइबिलिटीज़ प्लस ODTL यानी कि अदर डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ माइनस डिपॉजिट इन अदर बैंक। तो इसको समझने के लिए हमने डिमांड लाइबिलिटीज़ को समझना होगा कि डिमांड लाइबिलिटीज़ क्या चीज़ हैं, टाइम लाइबिलिटीज़ क्या चीज़ हैं, ODTL क्या चीज़ है। जब ये तीन टर्म्स आपके समझ में आएंगे तो NDTL आप लोगों के समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे को NDTL को समझने के लिए, यहाँ पे को देखिए जैसे सपोज़ करिए एक बैंक है, ठीक है, तो बैंक का जो काम है वो बड़ा आसान सा काम है कि बैंक लोगों से पैसा लेगा और लोन पे पैसा देगा, जिसमें इस पूरी प्रोसेस में बैंक की कुछ इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पे को देखिए बैंक क्या करेगा, बैंक लोगों से पैसा लेगा, और कैसे पैसा लेगा, देखिए ज़बरदस्ती तो मांगेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ज़बरदस्ती गले में पकड़ के पैसा मांगेगा, ठीक है। लोग क्या करेंगे, लोग पैसा जमा करेंगे बैंक के पास इस तरीके से डिपॉजिट के फॉर्म पे। तो देखिए लोगों ने बैंक पे पैसा जमा किया, अब या तो लोग बैंक पे पैसा जमा करेंगे या फिर कोई बड़ी कंपनीज हैं, कोई बड़ी फर्म हैं, ये बैंक पे पैसा जमा करेगी, ठीक। दूसरा, बैंक के पास जो भी पैसा आएगा बैंक उस पैसे को लोन पे घुमाएगा। तो यहाँ पर से बैंक क्या करेगा, इस पैसे को लोन पे दूसरे लोगों को दे देगा, ठीक है। यानी कि आपने बैंक पे पैसा जमा किया, बैंक ने उस पैसे को लोन पे घुमाया और लोन पे घुमा के कुछ प्रॉफिट बैंक ने वहाँ से कमा लिया। तो अब यहाँ पे को देखिए बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आएगा, जितना भी पैसा बैंक के पास आएगा, तो वो कुछ फॉर्म्स पे आएगा। अब किस तरीके से बैंक के पास आएगा उस चीज़ को समझना है। या तो देखिए सेविंग डिपॉजिट के फॉर्म पे आएगा, करेंट डिपॉजिट के फॉर्म पे आएगा, RD के फॉर्म पे आएगा, FD के फॉर्म पे आएगा, वो किसी भी फॉर्म पे हो सकते हैं। तो जो पैसा बैंक को यहाँ डिपॉजिट हुआ है, बैंक के पास जमा हुआ है, तो यहाँ पे को दो चीज़ें हैं। पहली चीज, कहीं ना कहीं ये पैसा बैंक में लौटाना है, कि अगर आपने बैंक पे पैसा जमा किया है तो बैंक ने वो पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। आप कभी भी बैंक पे जाके बैंक से पैसा मांग सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ बैंक ने पैसा रिटर्न करना है, आपको वापस लौटाना है। दूसरी चीज देखिए, आपने बैंक पे पैसा जमा किया एक साल के लिए, ठीक है, मान लीजिए आपने एक साल के लिए 1,000 रुपया बैंक में जमा कर दिया, और एक साल बाद जब आप इस पैसे को लेने जाएंगे तो 1,000 रुपये के साथ साथ बैंक को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक आपको कुछ ब्याज देगा। तो जैसे मान लीजिए एक साल में 200 रुपये बैंक ने ब्याज दे दिया, तो आपको टोटल कितना मिलेगा, 1,200 रुपये मिलेगा। अगर सपोज़ करिए बैंक आपको इंटरेस्ट ना दे, तो आप बैंक में पैसा जमा क्यों करेंगे, आप अपने घर में पैसा जमा करेंगे, ठीक है। बात तो वही पड़ेगी, घर में भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलना है और बैंक में भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलना है, तो घर का पैसा तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, तो फिर आप बैंक में जमा क्यों करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे को बैंक ने कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न आपको देना पड़ेगा, किसके फॉर्म पे, ब्याज के फॉर्म पे यानी कि इंटरेस्ट के फॉर्म पे। तो यहाँ पे को दूसरी चीज़ है, बैंक ने इंटरेस्ट के फॉर्म पे कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। तो देखिए ये पैसा जो आपने बैंक में जमा किया है, ये पैसा बैंक ने आपको वापस लौटाना है, ठीक है,
जितना पैसा जमा है वो पैसा तो बैंक वापस लौटाएगा ही लौटाएगा, और दूसरा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो देखिए, ऐसा डिपॉजिट जो डिपॉजिट बैंक ने वापस लौटाना है उस डिपॉजिट को बोला जाएगा लाइबिलिटीज। तो ये लाइबिलिटीज टर्म आपके समझ में आया, वो डिपॉजिट जो बैंक ने वापस लौटाना है, ठीक है, और साथ साथ ही उसमें कुछ इंटरेस्ट भी देना है, उस डिपॉजिट को बोला जाएगा लाइबिलिटीज। अब दूसरा यहां पे को देखिए, बैंक के पास कुछ पैसा आया था तो बैंक ने उस पैसे को किस पे घुमा दिया, लोन पे घुमा दिया, तो बैंक ने लोन दे दिया लोगों को। अब देखिए, लोगों ने जब लोन लिया है तो कभी ना कभी उस लोन को लौटाना पड़ेगा। अगर सपोज करिए आपने 10 लाख रुपए लोन ले रखे है मकान बनाने के लिए, तो आप ये 10 लाख रुपए तो बैंक को लौटाएंगे, ठीक है, साथ साथ ही बैंक आपसे एक मोटी रकम ब्याज के फॉर्म पे वसूल कर लेगा। जैसे सपोज करिए हाउसिंग पे आपको 10% अगर ब्याज चुकाना है, तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे को 10 लाख का 10% निकाल लीजिए, उतना पैसा आपने एक्स्ट्रा बैंक को देना पड़ेगा, किसके फॉर्म पे, इंटरेस्ट के फॉर्म पे। तो यानी कि यहाँ पे को बैंक को रिटर्न होना है पैसा, ये पैसा बैंक के पास वापस आ जाएगा, पहली चीज ये बैंक को रिटर्न होगा, ठीक है, और सेकंड चीज इसमें बैंक को कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, बैंक इंटरेस्ट गेन करेगा। तो इसमें और इसमें अंतर है, देखिए इसमें क्या है, बैंक के पास जो पैसा जा रहा है वो बैंक ने वापस लौटाना है, साथ साथ ही इंटरेस्ट भी देना है, और इसमें जो पैसा बैंक देगा वो पैसा दोबारा बैंक को मिल जाना है, और साथ साथ ही बैंक को कुछ इंटरेस्ट भी मिलना है। तो ये जो डिपॉजिट इस तरीके से लोन पे जो घुमाएगा बैंक, इसको बोला जाएगा असेट। तो असेट किसको बोला जाता है, कोई भी ऐसा सोर्स जो हमको दोबारा वापस मिल जाने वाला है और जहाँ से हमारी कुछ इनकम होने वाली है, तो उसको मैं असेट के अंदर रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये है लाइबिलिटीज़ और ये है असेट। तो लाइबिलिटीज़ और असेट के बीच में आपको अंतर क्लियर हो चुका होगा, वो डिपॉजिट जो बैंक ने वापस लौटाना है उसको लाइबिलिटीज़ बोलेंगे, और जो बैंक को वापस आ जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, असेट बोला जाएगा। तो देखिए, जैसे सपोज करिए आपने किसी को कुछ कर्ज़ा दिया है, तो कभी ना कभी वो कर्ज़ा वापस आएगा, तो वो आपका असेट हो गया। तो ठीक उसी तरीके से बैंक का भी है। तो अब यहाँ पे को लाइबिलिटीज़ समझ में आई और असेट समझ में आया, तो अब हमने समझना है लाइबिलिटीज़ को। तो ये लाइबिलिटीज़ होती हैं दो तरीके की, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सा मीनिंग है, लाइबिलिटीज़ का मतलब हुआ बैंक में डिपॉजिट। अगर मैं सिंपल शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करूं, तो जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उसी को लाइबिलिटीज़ बोला जाता है, बैंक की लाइबिलिटीज़, ठीक। अब दूसरी चीज़ देखिए, ये लाइबिलिटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक होता है डिमांड लाइबिलिटी, और दूसरा होता है टाइम लायबिलिटी। ठीक है, तो देखिए डिमांड लायबिलिटी क्या चीज है, जैसे आपने बैंक पे पैसा जमा किया तो आप किस फॉर्म पे करेंगे, या तो सेविंग डिपॉजिट के फॉर्म पे, आपका सेविंग अकाउंट होगा तो आप उसमें कुछ पैसा जमा करेंगे तो सेविंग डिपॉजिट हो गया, या फिर आप करेंट डिपॉजिट के फॉर्म पे पैसा जमा करेंगे, आपका करंट अकाउंट होगा उसमें पैसा जमा करेंगे तो करंट डिपॉजिट हो गया। ये बैंक में कितने तरीके से डिपॉजिट किया जाता है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो एक बार आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एक हो गया सेविंग डिपॉजिट, दूसरा हो गया करंट डिपॉजिट, तो इस तरीके से आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं। तो अब ये सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट का मतलब क्या है, देखिए जो पैसा आप सेविंग अकाउंट में डालोगे तो उसको कभी भी निकाल सकते हो, तो किसके अंदर आएगा, सेविंग डिपॉजिट के अंदर आएगा, यानी कि आप बैंक को डिमांड करेंगे, बैंक से बोलेंगे कि हमारा पैसा हमको लौटा दीजिए, तो आपने डिमांड की कि पैसा लौटा दीजिए, तो इसलिए ये जो जमाएं हैं, ये जो डिपॉजिट है, इसको बोला जाता है डिमांड लायबिलिटी, कि आप डिमांड करके कभी भी वो पैसा निकाल सकते हैं। और देखिए, बैंक में अगर पैसा जमा है, ठीक है, लायबिलिटी का मतलब हुआ बैंक में जो पैसा जमा है, ठीक, तो बैंक पे पैसा जमा है, तो देखिए दो फॉर्म तो ये हो गए, सेविंग डिपॉजिट के फॉर्म पे जमा होगा या फिर करंट डिपॉजिट के फॉर्म पे। दूसरा आता है टाइम लायबिलिटी, कि अगर बैंक में पैसा जमा है
तो वो किस तरीके से जमा होगा। जैसे मान लीजिए एफडी के फॉर्म पे अगर आपने 10 साल के लिए एफडी करा रखी है, एफडी का मतलब हुआ फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, तो आप उसको 10 साल से पहले नहीं निकाल सकते, यानी कि एक फिक्स टाइम के बाद ही आप उसको निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे को जो पैसा निकाला जाएगा वो फिक्स टाइम के बाद निकाला जाएगा। तो जैसे एफडी हो गया, इसका दूसरा एग्जांपल आरडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट, ये भी आप एक फिक्स टाइम के बाद ही निकाल सकते हैं। अगर आपने 10 साल की एफडी करा रखी है तो फिर वो 10 साल के बाद ही निकालनी पड़ेगी, उससे पहले आप उसको नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर उससे पहले आप उसको निकालेंगे तो बैंक कुछ पैसा काट के आपको बाकी का बचा हुआ पैसा रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया एफडी, आरडी, ये सब का सब क्या है, एक फिक्स टाइम के बाद निकलना है, तो इसलिए इसको क्या बोला, टाइम लायबिलिटी बोला। तो सिंपल शब्दों में जो बैंक में पैसा जमा है उस जमा को हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। अब जो बैंक में पैसा जमा होगा वो दो तरीके से होगा, या तो सेविंग डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, इनके फॉर्म पे होगा इस तरीके से कि आप डिमांड करके कभी भी निकाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से जमा होगा कि आप एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ही निकाल सकते हैं, निश्चित समय के बाद ही निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा टाइम लायबिलिटी। तो देखिए, डिमांड लायबिलिटी समझ में आया, टाइम लायबिलिटी समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे को हमारा NDTL जो चीज़ है वो किस तरीके से बनेगा, देखिए डिमांड लायबिलिटी समझ चुके हैं, टाइम लायबिलिटी समझ चुके हैं, उसके बाद बचता है अदर डिमांड टाइम लायबिलिटी। तो देखिए, जैसे अदर डिमांड टाइम लायबिलिटी के अंदर क्या आ जाएगा, कुछ ऐसी लायबिलिटीज़, कुछ ऐसी जमाएँ, ठीक है, बैंक में इनके अलावा और भी होती हैं, तो उनको किसके अंदर रख दिया जाता है, ODTL के अंदर रख दिया जाता है। जैसे इसमें पेएबल बिल्स आ जाएंगे, ठीक है, और या फिर जो भी बैंक का इंटरेस्ट पे ये पेएबल इंटरेस्ट होता है ये सब आ जाएगा, तो उसको अदर डिमांड टाइम लायबिलिटी यानी कि ODTL के अंदर रख दिया जाएगा। तो समझिए, तीनों एक ही टर्म है, डिमांड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी और ODTL, ये तीनों एक ही चीज़ है जो बैंक में पैसा जमा हो रहा है। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं शॉर्ट में देखूं, तो शॉर्ट में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो बैंक के पास पैसा जमा है, ठीक है, डिमांड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी, ODTL, ये है टोटल बैंक के पास जो पैसा जमा हुआ, ठीक, तो उसको हमने क्या बोल दिया, लायबिलिटी बोल दिया, ठीक। तो उसके बाद आए को देखिए, डिपॉजिट इन अदर बैंक, तो अब होता क्या है, देखिए जितना पैसा बैंक में जमा है तो कभी कभार क्या होता है, बैंक उस पैसे में से कुछ पैसा दूसरे बैंक में जमा कर देते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे को बैंक था, इस बैंक ने क्या किया कि मान लीजिए कोई छोटा सा बैंक है, तो यहाँ लोगों ने क्या किया, पैसा जमा किया, ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे को पैसा जमा करेंगे डिपॉजिट। तो मान लीजिए यहाँ पे को 100 करोड़ रुपए बैंक के पास हो गए, टोटल बैंक में कितना पैसा जमा हो गया, 100 करोड़, तो ये 100 करोड़ बैंक की क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। तो अब देखिए, 100 करोड़ जो बैंक की लायबिलिटी हो चुकी है, इसमें से कभी कभार कुछ बैंक क्या करते हैं कि कुछ पैसा दूसरे बैंक में जमा कर देते हैं, ठीक है, तो इन्होंने इसको क्या किया, दूसरे बैंक में, B2 करके मैं इसको दिखा देता हूँ, दूसरे बैंक में कुछ पैसा जमा कर दिया। अब देखिए, दूसरे बैंक में क्यों, मतलब पैसा जमा किया होगा बैंक ने, क्योंकि सपोज़ करिए 100 करोड़ इसके पास टोटल डिपॉजिट था, तो 100 करोड़ की इसकी लायबिलिटी थी, इसने 10 करोड़ दूसरे बैंक में जमा कर दिए। अब देखिए, 10 करोड़ दूसरे बैंक में क्यों जमा किए होंगे, कि इस 10 करोड़ का ब्याज इस बैंक को मिलेगा ना, तो बैंक को फ़ायदा होगा, तो इसलिए कभी कभार कुछ बैंक क्या कर देते हैं, पैसा दूसरे बैंक में जमा कर देते हैं। जैसे कि अब हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक जमा करे, तो देखिए यहाँ पे को दूसरे बैंक पे कुछ पैसा जमा कर दिया, तो अब देखिए होगा क्या, बैंक के पास बचा कितना होगा, नेट कितना बचा होगा बैंक के पास, 100 करोड़ में से 10 करोड़ माइनस कर दीजिए, तो अब बैंक के पास कितना बचा होगा, 90 करोड़ बचा होगा। तो ये जो अमाउंट का पैसा बैंक के पास बच जाएगा, इसको बोला जाएगा NDTL, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। बैंक के पास जितना टोटल जमा है उसमें से बैंक ने दूसरे बैंक को जमा कर दिया, अब जितना उसके पास बचा उसको बोला जाएगा NDTL। तो शॉर्ट में अगर समझे, जितना अभी हम लोगों ने टॉपिक एक्सप्लेन किया है उसको अगर मैं एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं, तो बैंक के पास जितना पैसा जमा होता है उसी पैसे को NDTL बोला जाता है। तो अब क्योंकि आने वाले टॉपिक्स को जब मैं क्लियर करूंगा तो मैं उसमें सिर्फ NDTL करके बोलूंगा, तो आप इतना लंबा अगर आपके दिमाग में नहीं रहता ये चीज़, तो ये समझ जाना कि बैंक के पास लोगों ने जितना पैसा जमा किया है और किसी टाइम पे बैंक के पास जितना पैसा होगा, भले ही वो दूसरे बैंक में जमा करने के बाद जो पैसा बचा होगा उसके पास,
तो एक बैंक के पास जितना पैसा डिपॉजिट होता है उसी को क्या बोला जाता है, NDTL बोला जाता है। तो यहाँ पे को देखिए NDTL हमारा क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे को मैंने आपको बताया था कि तीन सेक्शन में वीडियो बनेगा। पहले सेक्शन में मैं टॉपिक को क्लियर करूँगा, दूसरे सेक्शन में ठीक है ये समझने की कोशिश सॉरी उसके नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, और तीसरा जो हम लोगों का सेक्शन बनेगा उसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर UPSC सिविल सर्विसेज में यानी कि IAS के पेपर में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना तो किस फॉर्म के वो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो तीन पार्ट से मिलकर ये वीडियो बना है बनेगा। तो NDTL आपके समझ में आ गया, तो NDTL इक्वल्स टू डिमांड लाइबिलिटी प्लस टाइम लाइबिलिटी प्लस ODTL, उसमें से माइनस कर दीजिए जो बैंक ने दूसरे बैंक में जमा किया होगा ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई एक इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और आएगा, MSF, ये होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ठीक है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इसको हिंदी में बोला जाता है सीमांत स्थायी सुविधा ठीक है। वेल अगर ये हिंदी लिखने में गलत हो जाएगा तो आप सुधार लेना, सीमांत स्थायी स्थायी सुविधा ठीक है, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि सीमांत स्थायी सुविधा। तो देखिए सीमांत स्थायी सुविधा क्या चीज़ है, देखिए 2011-12 का जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, मौद्रिक नीति थी ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है मौद्रिक नीति किस तरीके से RBI महंगाई को कंट्रोल करता है ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में, आप एक बार पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि RBI किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम का जो मेरे ख्याल से दूसरा वीडियो है कि बैंक RBI किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करता है उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए 2011-12 में की जो मौद्रिक नीति थी उसमें एक सुविधा बैंकों को दी गई थी, तो उसी सुविधा को बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये सुविधा बैंकों को क्या दी गई थी उस चीज़ को एक बार समझिए, देखिए कभी कभार बैंक को पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है ठीक है, तो RBI ने क्या बोला कि जो बैंक हैं वो अपने NDTL का ठीक है, किसका NDTL का 1% RBI से क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं। तो अब अगर सपोज करिए किसी बैंक का NDTL है 100 करोड़ का, तो 100 का 1% कितना हो जाएगा, 1 करोड़, तो यानी कि 1 करोड़ तक का वो बैंक क्या कर सकता है, RBI से उधार ले सकता है। तो ये कभी जैसे बैंकों में कोई वित्तीय संकट आ गया, बैंकों को ज़रूरत पड़ गई पैसे की, मीन्स कि मार्केट में मनी का एक लिक्विडिटी एक तरलता बनी रहे, मार्केट में पैसे का फ्लो ना रुके, मार्केट में मुद्रा का जो प्रवाह है वो अटके ना, इसलिए RBI ने सुविधा को स्टार्ट किया था 2011-12 की मॉनेटरी पॉलिसी में यानी कि 2011-12 की मौद्रिक नीति में इसकी शुरुआत की गई थी। तो देखिए ये क्या बोलेगा कि जो NDTL है उसका 1% बैंक क्या कर सकते हैं, RBI से उधार ले सकते हैं। तो अभी के टाइम पे मैं इसका एक बार रेपो रेट आपको बता दूँ, सॉरी इसका रेट आपको बता दूँ, तो ये अभी करेंटली ठीक है रेपो रेट से ठीक है करेंटली रेपो रेट से 1% ज़्यादा है ठीक है, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, करेंटली रेपो रेट से क्या है 1% ज़्यादा है। तो NDTL आपके समझ में आया होगा, MSF आपके समझ में आया होगा। तो अब शुरुआत करते हैं नोट्स बनाने की। तो देखिए जिनको टॉपिक समझ में आ चुका है और नोट्स खुद बना सकते हैं तो वो इस वीडियो को यहाँ पे को क्विट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से सजेशन दूंगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी लास्ट में हमने ये चीज़ देखनी है कि एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिकली UPSC सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में ठीक है। तो चलिए इसमें एक बार नोट्स बना लीजिए, तो इसमें लिखिए NDTL, इसमें हेडिंग डाल दीजिए NDTL,
और NDTL में लिखिए, मैं बोलते जाता हूँ, आप लोग साथ साथ ही इसमें लिखते जाइए। किसी बैंक की मांग जमाओं, किसी बैंक की मांग जमाओं, कम करके लिखना, समय जमाओ, समय मीन्स टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है, मांग जमा डिमांड लाइबिलिटी हो गया। तो किसी बैंक की मांग जमाओ, कमा समय जमाओ तथा अन्य मांग जमाओ के योग में से, अन्य मांग जमाएं हो गया आपका ये ODTL, अदर टाइम, अदर डिमांड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक। तो किसी बैंक की मांग जमाओ, कमा समय जमाओ तथा अन्य मांग जमाओं के योग में से, जब उस बैंक की, जब उस बैंक की अन्य बैंकों में जमाओं को, अन्य बैंकों में जमाओं को घटा दिया जाता है, अन्य बैंकों में जमाओं को घटा दिया जाता है तो NDTL प्राप्त होता है, घटा दिया जाता है तो NDTL प्राप्त होता है। NDTL की गणना, NDTL की गणना हर शुक्रवार को की जाती है, NDTL की गणना हर शुक्रवार को की जाती है। तो NDTL का फॉर्मूला लिख लीजिए, NDTL इक्वल्स टू ये डिमांड लाइबिलिटी प्लस टाइम लाइबिलिटी प्लस ODTL माइनस डिपॉजिट इन अदर बैंक। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में ऐसा बनेगा, NDTL इक्वल्स टू समय जमा, सॉरी मांग जमा, ठीक है, मांग जमा प्लस समय जमा प्लस ODTL, तो ये लंबा पड़ जाएगा, इसको चलो ODTL ही लिख लीजिए, अदरवाइज इसको अन्य मांग समय जमा इस तरीके से बोलेंगे, तो फिलहाल शॉर्ट में ODTL लिख लीजिए। माइनस ये है डिपॉजिट इन अदर बैंक, अन्य बैंकों में जमा, अन्य बैंकों में जमा, ठीक है। तो ये आपका NDTL का फार्मूला बन जाएगा। तो आप उसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो डिमांड लाइबिलिटी प्लस टाइम लाइबिलिटी प्लस ODTL माइनस डिपॉजिट इन अदर बैंक, और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो मांग जमा प्लस समय जमा प्लस ODTL माइनस अन्य बैंकों में जमा, ठीक। तो इसमें अगली हेडिंग डालिए, सीमांत स्थाई सुविधा यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थाई सुविधा, ठीक है, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF। तो इसमें लिखिए MSF एक नई योजना है, MSF एक नई योजना है, इसकी घोषणा RBI ने, इसकी घोषणा RBI ने 2011-12 की, 2011-12 की मौद्रिक नीति में की, 2011-12 की मौद्रिक नीति में की। मौद्रिक नीति में की इस योजना के तहत, इस योजना के तहत बैंक रातों रात, बैंक रातों रात अपने NDTL का, बैंक रातों रात अपने NDTL का 1%, अपने NDTL का 1% RBI से उधार ले सकता है, NDTL का 1% RBI से उधार ले सकता है, वर्तमान में यह
रेपो रेट से 1% ज़्यादा है। वर्तमान में यह रेपो रेट से 1% ज़्यादा है। एमएसएफ कॉमा करिएगा, एमएसएफ रेट को, एमएसएफ रेट यानी कि दर, ठीक है, एमएसएफ दर को दंडात्मक दर यानी कि पेनल्टी के फॉर्म पे दंडात्मक दर के रूप में शुरू किया गया था। दंडात्मक दर के रूप में शुरू किया गया था। बैंक इसके जरिए आरबीआई से ये लिखिए 8.25% फीसदी की दर से कर्जा ले सकता है, फीसदी के दर से कर्जा ले सकता है। ठीक है, तो ये था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। तो आइए वीडियो के तीसरे पार्ट में चलते हैं, किस तरीके से यूपीएससी सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस के पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, मैं क्वेश्चन यहाँ पे को लिख रहा हूँ, साथ साथ ही आप क्वेश्चन लिख लीजिए। मेरे ख्याल से जितना पढ़ा है उससे आपको क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएगा और आपको आंसर भी उसका पता चल जाएगा। तो देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिस फॉर्म पर आएगा, मैं सिर्फ उस फॉर्म को बता रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो ये बस क्वेश्चन का एक फॉर्म है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन लिखिए, एमएसएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, वन करके लिखिएगा, पहला कथन लिखिएगा वन करके ही लिखिएगा, वन और टू करके, ए और बी मत लिखिएगा, वन करके इसमें लिखिएगा, इसकी घोषणा, ठीक है, इसकी घोषणा 2008-09 के बजट में की गई थी, 2008-09 के बजट में की गई थी। देखिए, यूपीएससी सिर्फ कंफ्यूज करता है, अगर आपको टॉपिक के बारे में पता है तो आप क्वेश्चन बड़ी इजीली कर सकते हैं। और टू करके लिखिएगा इसमें, वर्तमान में यह एनडीटीएल का 5% है। तो अगली लाइन पे लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अब देखिए, ऑप्शन आपके पास इस तरीके से होंगे, ऑप्शन ए होगा केवल एक, ठीक है, ऑप्शन बी होगा केवल दो, ऑप्शन सी होगा एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी होगा ना तो एक ना दो। ठीक है, तो दो कथन आपको दिए, कौन सा कथन इसमें से ठीक है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आप, टॉपिक आपको क्लियर है, आप बड़ी आसान से इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, इसकी घोषणा 2008-09 के बजट में की गई थी, तो पहला कथन गलत है, क्योंकि इसकी घोषणा 2011-12 के बजट में की गई थी, सॉरी बजट में बोल रहा हूँ,
सॉरी यहाँ पे को बजट नहीं होगा, यहाँ पे को मौद्रिक नीति होगा, ठीक है, मौद्रिक नीति में की गई थी। तो देखिए इसकी घोषणा 2011 बार की मौद्रिक नीति में की गई थी, और दूसरा वर्तमान में NDTL का 1% है। अब देखिए पेपर के टाइम तक हो सकता है कि ये बदल जाए, तो उसके हिसाब से आपने देखना होगा कि अगर 2 जून को अगर जब पेपर होता है तो हो सकता है मे बी अप्रैल मई का अगर वो कुछ पूछ ले तो फिर वहाँ पे को देखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो ये 1% है, ठीक है, और मेरे ख्याल से इतना ही रहेगा उस टाइम तक भी, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं होंगे। तो दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं, तो इसका आंसर हो गया डी वाला। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा और आपको वीडियो पसंद आया तो अगले टॉपिक के लिए दूसरे वीडियो का इंतज़ार करिए, और साथ साथ ही हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इसकी भी थोड़ी रेटिंग बढ़ जाए और मैं बाकी भी और सारे वीडियोस बनाते रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।